चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक बड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संविधान के आर्टिकल 1 को लेकर कहा कि आर्टिकल 1 भारत के संविधान का स्थायी हिस्सा है, जबकि आर्टिकल 370 की स्थिति में ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 में साफ तौर से इस बात के संकेत मिलते हैं कि यह आर्टिकल हमेशा के लिए संविधान का हिस्सा नहीं रखा जाएगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों वाली संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये देश के संविधान में आर्टिकल 1 स्थायी तौर से है, जबकि आर्टिकल 370(1) के तहत विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है, जो कि सीधे तौर पर आर्टिकल 1 से ही जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 1 किसी भी स्थिति में हमेशा से लागू था, ये संविधान का अंतर्निहित हिस्सा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब अंतिम काल में संविधान में संशोधन और बदलाव का अधिकार था, उस वक्त आर्टिकल 370 को रखने का उद्देश्य यही था कि आर्टिकल 1 स्थायी है और इसकी दोहरी पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इस संविधान पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे ने तर्क दिया था कि आर्टिकल 370 को आर्टिकल 370(3) का इस्तेमाल करके खत्म नहीं किया जा सकता था। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि सरकार ने ऐसा अपने हितों के चलते किया था। उनके ऐसे तर्कों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि हमारा काम ये देखना है कि मामले में संविधान का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी ये पता लगाना हमारा काम नहीं है। जबकि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 में साफ तौर से इस बात के संकेत मिलते हैं कि ये आर्टिकल हमेशा के लिए संविधान का हिस्सा नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी से याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है, क्योंकि वे चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से पहले की तरह यथास्थिति हो जाए, जबकि जम्मू कश्मीर से 370 के खात्मे के बाद उसकी राजनीतिक स्थिति बदल चुकी है। जम्मू और कश्मीर को अब केंद्र शासित का दर्जा मिला हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को साल 2019 में रद्द कर दिया गया था। उससे पहले तक उनका अपना झंडा और अलग संविधान भी था। केंद्र सरकार का इस पर यह कहना था कि जब जम्मू कश्मीर बिना शक भारत का अखंड हिस्सा है, तो उसका दर्जा भी देश के दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के जैसा होना चाहिए। सरकार के उस फैसले का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया था, जबकि जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल इसके खिलाफ दिखाई दिए थे। केंद्र के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर इन दिनों सुनवाई चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।